सुधीर का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे सुनने के लिए उपस्थित हो सके हैं और मंच का अभिवादन मेरी तरफ से। पहले तो मैं कहना चाहूँगा तन्मय भाई से कि भीड़ शब्द थोड़ा सा और लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सदस्य हमारे हो सकते हैं, हमारे सुनने वाले हो सकते हैं, और आप आज अगर जितने भी लोग सुनने आए हैं, बहुत बड़ी बात है कि कुछ तो हैं जो सुनने आए हैं, इतने लोग ही पर्याप्त, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आए हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब उनमें धैर्य है, और धैर्य का आज के समय में बहुत आवश्यकता है। अच्छा, अभी मैं क्योंकि फ्री माइंड है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ अपने मन की बातें भी कह दूँ। कल मैं सोच रहा था कि आखिर ये भाई जो बुजुर्ग हैं वो आए थे, किताब पढ़ने आते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन आज की पीढ़ी जो व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया की है, वो पुस्तक मेले में आती है, मतलब जो मोती महल लॉन में पुस्तक मेला होता है, काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ पे भी अभी शाम को आएंगे धीरे धीरे, तो उसका कारण क्या है? आजकल के कूल डूड आपकी किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? तो मुझे समझ में आया कि मेरा एक दोस्त था एलयू में, उसका नाम था माइकल जैक्सन, तो वो उसका सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स और मैथ्स और स्टैट्स, हिंदी साहित्य से थोड़ा दूर दूर का संबंध नहीं था। हिंदी साहित्य नाम लेते तो उबाई आने लगती थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि अब उसको एक पसंद आ गई, उसका नाम था प्रिया, और वो जो है कि उसका पता किया उनके दोस्तों ने, तो उसका सब्जेक्ट जो था वो हिंदी साहित्य। अब भाई ने मेरे हिंदी साहित्य पढ़ने की रुचि जाके टैगोर लाइब्रेरी में उसने पहली बार कदम रखा जीवन में, टैगोर जी की आंखों से आंसू आ गए। फिर उसने जो है लाइब्रेरी में गया, पढ़ाई किताबें, पहली किताब गुनाहों का देवता निकाली, धर्मवीर वासी जी की, पढ़ा उसने, अच्छा लगा उसको। फिर अगले दिन आया, फिर उसने हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला निकाली, पढ़ते पढ़ते उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। प्रिया जी को तो एक इकोनॉमिक्स इंग्लिश डिपार्टमेंट का प्रताप पसंद आ गया, लेकिन अपना भाई वॉरियर बन गया था इतना। तो इस तरह अब वो यूट्यूब पे बड़ा फेमस हो गया, उसकी कविताएं सुनने लगे लोग। तो इसी तरह साहित्य जो है वो आपको राह दिखा देता है, आप साहित्य से जुड़े हैं, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। बड़ा अच्छा लिखा है कुमार परवेश जी ने अपनी किताब में कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं वरन दीपक भी, वो आपको रास्ता ही, वो दिखाएगा नहीं कि समाज क्या था, वो आपको बताएगा भी कि उसका रास्ता क्या है आगे का, वो प्रकाशित करेगा। तो इसी तरह दिनकर जी ने, उन्होंने तो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ कविता पढ़ दी, उन्होंने उनसे कह भी दिया कि जब जब राजनीति लड़खड़ाई है साहित्य नहीं उसे संभाला। तो एक साहित्यकार, अब मुझे कभी भी अपने आप को कहना मैं नहीं अच्छा समझता हूँ, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है, उसके ऊपर एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। तो मैंने एक दफ़ा एक चलिए ये तो बात की बात है, मैंने एक दफ़ा एक कविता लिखी, एक कविता नहीं लिखी, मैंने एक चुकबंदी कर दी। जब एक कांड हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड, तो मैं सोचने लगा उस दिन कि अगर कहीं मेरी बहन वहां पे होती तो मैं क्या करता, मैं कहां रहता, किसके पास क्या करता, क्या मैं उसको जाके गोली मार देता, मैं क्या करता, और मैं तो वहां बोल भी ना पाता दिल्ली में, तब क्या होता। तो मैंने ये सोचा कि एक मैंने सेंटेंस पढ़ा जेम्स एलन से, ब्रिटिश राइटर है जेम्स एलन, उन्होंने लिखा है कि द हैंड्स दैट कैन रॉक द क्रैडल कैन रूल द वर्ल्ड, हाथ जो झूला झुला सकते हैं वो संसार से राज भी कर सकते हैं। उसी से प्रभावित होकर मैंने रचना लिखी कि झूला झुला चुकी बहुत तलवार चला ले, श्याम न सारी या कुछ चक्र चला दे, आज द्रौपदी नहीं खुद को तो दुर्गा बना ले, झूला झुला चुकी बहुत तलवार चला ले। अगर आप ये सोचें कि कोई कृष्ण आएगा आपको बचाने, कोई राम के अवतार आपको बचाने आएंगे, तो ये मेरा झूठ है। तो आपको खुद सशक्त होना पड़ेगा। अब ये मत समझिए कि मैं महिला सशक्तिकरण का कोई बात कर रहा हूँ, मैं बहुत उसका पक्षधर हूँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के आड़ में आज तक सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। आप इन मॉर्निंग आई जो कहा गया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा शोषण वहीं हो रहा है महिलाओं का। आज भी स्वरूप बदला नहीं है, वहीं का वहीं बच्चा तो बदल गए, झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले, श्याम ना सारी या कुछ चक्र चला दे, आज द्रौपदी नहीं खुद को तो दुर्गा बना ले, झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले। तू गाती थी लोरियां अब बिगुल बजाते, तू गाती थी लोरियां अब बिगुल बजाते, गर चीरे तेरा आंचल तू उसको सजा दे, ममता दिखा चुकी बहुत निर्मम बना ले, झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले। जन्म दिया तूने अब संघार दिखा दे, अब आवश्यकता नहीं है, जब इतना आप
टोटल देख रहे हैं समाज में इतना हलती हो गया है इंसान कि जन्म दिया तूने अब संहार दिखा दे, अगर आए तेरे सामने तू उसको मिटा दे, सवाल ही नहीं खुद को तू काली बना ले, झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले। अब ये होता है कि ये इतिहास रहा है आप पूरे विश्व का, हम लोग कहते हैं कि हम बहुत उदारवादी सभ्यता के लोग हैं, ऐसा कुछ अगर इतिहास खंगालें आप तो काफी दुख होगा कि जब भी कोई दबा कुचला वर्ग ऊपर उठने का प्रयास करता है तो जो सशक्त है समृद्ध है वो उसको दबाने का प्रयास करता है। ये इतिहास रहा है। एक कहानी मैं आपको बता दूं कि मेरे एक पीसीएस ऑफिसर से मेरे जान पहचान के मेरे दादा लगते थे, उन्होंने कहा कि जैसे आपके यहाँ कोई मजदूर काम करता है तो आप उसके घर गए, आपने देखा कि उसके यहाँ लौकी का पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लग गया है उसकी छपरे पे फैल गया, तो क्या करिए चुपके से जाइए उसकी जड़ काट दीजिए क्योंकि अगले दिन से वो आपके यहाँ काम करने नहीं आएगा, बाजार में जाके लौकी बेचने लगेगा। तो इस तरह की सामंतवादी सोच में हम रह रहे हैं कि जन्म दिया तूने अब संहार दिखा दे, अगर आए तेरे सामने तो उसको मिटा दे, सवाल ही नहीं खुद को तो काली बना ले, झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले। हो सकता है जन्म दिया तूने झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले कि आवाज उठाएगी, आवाज उठाएगी तो विरोध भी होंगे, उन्नति की तेरी राह में अवरोध भी होंगे, आवाज उठाएगी तो अवरोध भी होंगे, उन्नति की तेरी राह में अवरोध भी होंगे, गतिरोध तो खुद को गतिशील बना ले, झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले, रियाद कर तो दुर्गावती मनुबाई को, मनुबाई लक्ष्मी बाई, रियाद कर तो दुर्गावती मनुबाई को, इस वक्त तो भूल जा तू पत्नी मीराबाई को, सीता नहीं खुद को तो गीता बना ले, झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले। सीता नहीं बनना है, कोई कहे क्या अपनी परीक्षा दे दो, अपनी परीक्षा दे दिया, सीता नहीं खुद को तो गीता बना ले, झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले, कि तू कदम बढ़ाएगी तेरा साथ मैं दूंगा, तू कदम बढ़ाएगी तेरा साथ मैं दूंगा, अगर होने लगे वार तुझको मैं न झुकूंगा, तू कदम बढ़ाएगी तेरा साथ मैं दूंगा, अगर होने लगे वार तुझको मैं न झुकूंगा, तू दुर्गा की बेटी हम साथ लड़ेंगे, बासंत हवा नहीं खुद को तूफान बना ले, झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले। और आखिरी में कहना चाहूंगा कि हो सकता है एक वक्त तू निराश हो जाए, हो सकता है एक वक्त तू निराश हो जाए, कोई फिर तुझे गाली तुझे बर्दाश्त हो जाए, हो सकता है एक वक्त तू निराश हो जाए, कोई फिर तुझे गाली तुझे बर्दाश्त हो जाए, उस वक्त मेरे शब्दों को खुद का आहार बना ले, झूला झूला चुकी बहुत तलवार चला ले। धन्यवाद।